श्रद्धा आर्या। प्रीता का रोल निभाने वाली श्रद्धा आर्या करेंटली 33 इयर्स की हैं और वो न्यू दिल्ली से बिलोंग करती हैं। 2005 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गई और जी टीवी के टैलेंट हंट शो इंडिया बेस्ट सिने स्टार्स के खोज से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसी बीच उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी किया। 2006 में एक तमिल मूवी से उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद वो कई और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम मूवीज में भी नजर आईं। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की मूवी निशब्द से बॉलीवुड में कदम रखा। वो शाहिद कपूर स्टारर मूवी पाठशाला में भी नजर आई थी। 2011 में मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की शो से उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया, पर उन्हें पहचान लाइफ होके के शो तुम्हारी पाखी से मिली। उन्होंने ड्रीम गर्ल एक लड़की दीवानी सी में आयशा का किरदार भी निभाया था। 2016 में उन्होंने एक कॉमेडी शो मजाक मजाक में को भी होस्ट किया था, पर जी टीवी के शो कुंडली भाग में उनके डॉक्टर प्रीता के रोल से उन्हें घर घर में पहचान मिली। 2015 में उन्होंने एक NRI जयन से इंगेजमेंट की थी, पर दोनों की सगाई टूट चुकी है। वो नजबलिए 9 में आलम सिंह के साथ नजर आई थी। मनीत जौरा। ऋषभ लूथरा का रोल निभाने वाले मनीत करेंटली 33 ईयर्स ओल्ड हैं और वह दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 17 साल की उम्र से ही वो एक एक्टर बनना चाहते थे और इसके लिए काफ़ी छोटी उम्र में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और 2008 के ग्लैड रैक्स मैन हंट कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर कई प्लेज में भी काम किया। 2008 में उन्होंने आजा माही वे प्रेम के अग्नि परीक्षा नाम के एक डांस रियलिटी शो में मनिका धांडा के साथ पार्टिसिपेट किया। 2009 में उन्हें उनका ब्रेक थ्रू टीवी सीरियल करोल बाग से मिला, जिसमें उन्होंने विक्की का रोल निभाया था। इसके बाद वो राम मिलाई जोड़ी, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन, कुंडली भाग्य, गुमकुम भाग्य और प्रेम बंधन में नजर आए। 2010 में उन्होंने बैंड बाजा बारात मूवी में कैमरामैन का रोल निभाया था। इसके बाद वो लव शगुन, सोलो और फलसफा मूवीज में भी नजर आए। वो कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। अभिषेक कपूर। कुंडली भाग्य में समीर लूथरा का रोल निभाने वाले अभिषेक कपूर करंटली 32 ईयर्स ओल्ड हैं और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले वो एक क्रिकेटर थे। उन्होंने विराट कोहली और शिखर धवन के साथ दिल्ली के लिए क्रिकेट खेला था। विराट कोहली उनके क्लासमेट भी थे और वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं। वो पॉपुलर टीवी एक्टर करण टैकर के कजिन हैं। उन्होंने बस शौक के लिए मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना लक ट्राई करने की कोशिश की थी। फेसबुक के एक कॉम्पिटिशन से उन्होंने शुरुआत की। यूनी स्टाइल इमेज नाम के क्लोथिंग ब्रांड की कॉम्पिटिशन जीतने के बाद उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। इसके बाद वो अपने कजिन करण टैकर के घर मुंबई शिफ्ट हो गए। कई सालों तक ट्राई करने के बाद एक फ्रेंड की सिस्टर के थ्रू उन्हें चैनल वी के शो हीरोज में काम मिला। इसके बाद वो लाइफ ओके के शो अजीब दास्तां में नजर आए। 2015 में एक फ्रेंच मूवी 1+1 में उन्होंने एक छोटा रोल भी निभाया। कुछ एड्स और एपिसोडिक शोज के बाद उन्हें कुंडली भाग्य में समीर लूथरा के रोल से पॉपुलैरिटी मिली। रिसेंटली वो अंजुम फाकी के साथ कश्मकश नाम की एक वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। रूही चतुर्वेदी। शर्लिन का रोल निभाने वाली रूही चतुर्वेदी मुंबई से बिलोंग करती हैं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उनके डैड ने एक टीवी एड में मिस मुंबई ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखकर उन्हें पार्टिसिपेट करने को कहा। उन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो किया पर वो जीत नहीं पाए। पर इस शो में देखकर कोरियोग्राफर शाकिर शेख ने उन्हें मॉडलिंग के लिए पिक कर लिया। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स और डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। इसके बाद 2010 में उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड भी जीता। 2016 में वो राजस्थानी मूवी कंगना और पगड़ी में नजर आए। वो हिंदी मूवीज आलाप और हो जा जरा मतलबी में भी दिख चुकी हैं। 13 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड शिवेंद्र ओम सैनियल से 17 अगस्त 2019 को शादी कर ली। अंजुम फाकी। कुंडली भाग्य में सृष्टि का रोल निभाने वाली अंजुम ओरिजिनली रत्नागिरी की एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो करंटली 30 ईयर्स ओल्ड हैं। वो हाफ इंडियन और हाफ अरब हैं। उनकी फैमिली करंटली रियाद सऊदी अरेबिया में रहती है। वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके घर पर टीवी देखना भी अलाउड नहीं था,
बहुत मनाने के बाद क्लास 9th में उनके डैड ने टीवी खरीदा था, पर इससे उनके ग्रैंडफादर इतने अपसेट हुए थे कि उन्होंने 2 साल तक उनके घर पर कदम नहीं रखा था। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि वो पढ़ाई छोड़कर एक मॉडल बनना चाहती हैं। उनके घर वालों ने उनको कहा कि अगर मॉडलिंग करना चाहती हो तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो अपना सामान पैक करके मुंबई आ गई, जहाँ पर स्टार्टिंग में वो एक स्टोर में परफ्यूम बेचा करती थी। काफी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। एक्टिंग करियर के शुरुआत में वो आहट, MTV चैट हाउस, टाइम क्विक जैसे शोज में नजर आए, पर उन्हें रिकॉग्निशन ZTV के शो एक था राजा एक थी रानी में रानी रागेश्वरी सिंह के रोल से मिली। वो माही वे तेरे शहर में, टाइम मशीन, देवांशी जैसे शोज में भी नजर आए। 2017 से वो कुंडली भाग्य में नजर आ रही हैं, जहां उनके नॉटी फन लविंग कैरेक्टर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वो कई वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं। संजय गगनानी। पृथ्वी मल्होत्रा का रोल निभाने वाले संजय गगनानी पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वो अपने कॉलेज में मॉडलिंग और डांसिंग के लिए फेमस थे। उन्होंने BBA से ग्रेजुएशन किया है और आगे की पढ़ाई के लिए उनके डैड ने उन्हें MBA कोचिंग के लिए पैसे दिए थे। उन पैसों से ही उन्होंने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था। वो बैरी पिया, हमारी देवरानी, वीरा, फियर फाइल, सावधान इंडिया, आहट जैसे शोज में नजर आ चुके हैं। वो रक्त बीज और हीरोइन जैसी मूवीज में भी नजर आ चुके हैं। वो एज अ DJ भी काम करते हैं और मुंबई में खुद की एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। धीरज धूपर। करण का रोल निभाने वाले धीरज धूपर दिल्ली से बिलोंग करते हैं और वो करंटली 36 ईयर्स ओल्ड हैं। धीरज को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और अपने स्कूल डेज में धीरज क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अपने कॉलेज डेज में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें प्राइज में फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करने का ऑफर मिला। फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने एयरलाइंस में भी कई सालों तक काम किया। धीरज जब बैंगलोर में थे तब उन्होंने एज अ मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने थिएटर में भी हाथ आजमाया, फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए और ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा TV कमर्शियल्स में काम किया, जैसे कि पार्कर और डाबर हनी। वो रैप मॉडल बनना चाहते थे, पर हाइट की वजह से उन्होंने एक्टिंग चूज किया। 2009 में माता पिता के चरणों में स्वर्ग नाम के TV सीरियल से उन्होंने अपना TV डेब्यू किया। इसके बाद बहने, मिसेस तेंदुलकर, जिंदगी कहे, स्माइल प्लीज, कुछ तो लोग कहेंगे जैसे कई शोज में वो नजर आए, पर उन्हें पॉपुलैरिटी ससुराल सिमर के सीरियल से मिली, जिसमें उन्होंने दीपिका कक्कड़ के ऑपोजिट प्रेम भारद्वाज का रोल निभाया था। उन्होंने शो में शोएब इब्राहिम को रिप्लेस किया था। कुंडली भाग्य में करण के रोल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने सारे गमा पा और डांस इंडिया डांस में एज अ होस्ट भी काम किया है। 16 नवंबर 2016 को उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड विनी अरोरा से शादी की थी। श्वाति कपूर। श्वाति कपूर कानपुर UP से बिलोंग करती हैं। वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वो BCOM की पढ़ाई कर रही थी और MBA के प्लानिंग कर रही थी, पर पॉकेट मनी के लिए वो छोटे मोटे मॉडलिंग और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करती रहीं। इसमें उन्हें मन लगने लगा और उन्होंने एक्टिंग फील्ड में ही करियर बनाने का मन बनाया। उन्हें सबसे पहला ब्रेक काली एक अग्नि परीक्षा सीरियल में रचना के रोल से मिला। इसके बाद वो हमारी सास लीला, यह है मोहब्बत, तू सूरज में सांझ पिया जी, उड़ान, कलीरें, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स, इंटरनेट वाला लव जैसे कई TV सीरियल्स में नजर आए। वो एक पंजाबी मूवी मिस्टर एंड मिसेस 420 और बॉलीवुड मूवी फुतू में भी नजर आई।